सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 37। 37 में कोड है, ध्यान से देखिए TRN के 37। पहला नंबर सवाल कहता है कि ए और बी दो साझेदार है, समांतर है, दो साझेदार ए और बी है। एक व्यापार में 5,000 रुपया को 5 लिखते हैं, 8,000 रुपया का 8 लिखते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद 5,000 रुपया 5 महीने के लिए 5 से गुना कर लेते हैं, ये 8,000 रुपया 2 महीने के लिए निवेश करता है। अब उसके बाद जो कटेगा कटा लेते हैं, या नहीं कटेगा तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। आगे कहता है कि वर्ष के अंत में ए को 1,000 रुपया मिला, ए को 1,000, तो ए का वैल्यू जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं, ए को 1,000। तो हमको पूछा जा रहा है तो इसमें से कुल लाभांश क्या होगा, कुल लाभांश चाहिए तो कुल लाभांश कितना हो जाएगा, 35 × 36 हो जाएगा, 36 में निकाल लीजिए आंसर हो जाएगा। इसको 40 बार में काट सकते हैं, बस इसको हल करना है। 24 × 4 = 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14, यानी 1440 आपका आंसर हो जाएगा। 1440 आपका ऑप्शन नहीं है, 1440 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, 1440 ये आंसर हो गया। देखिए इसको सिर्फ गुणा कर लीजिए, 24 × 4 = 2, उसके बाद 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 1440 आपका आंसर होगा। 1440 नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर दो। दो नंबर आएंगे, दो नंबर कहता है तीन साझेदार ABC एक स्कूटर किराए पर लिया। ABC किराए पर लेता है और इसमें यह 2 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा चलाता है। तो यदि कुल किराया 22,000 रुपया, तो कुल यहाँ पर कितना हो गया, 4 × 2 = 6, 5 = 11, यानी 11 का वैल्यू 22,000 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है इसमें से ए को कितना रुपया देना पड़ेगा, ए जोड़ लीजिएगा, ए का वैल्यू 2 है तो जिसका वैल्यू रहता है उससे गुणा करते हैं। इसको 2000 बार में काट सकते हैं, तो आपका आंसर ए को कितना रुपया देना पड़ेगा, 4000, ये उत्तर हो गया 4000। सवाल नंबर आइएगा तीन। तीन नंबर सवाल कहता है कि तीन साझेदार अपने लाभ को इस प्रकार बांटता है कि 2A, सवाल नंबर तीन कहता है 2A = 3B = 4C। इसको काटने के लिए कुछ नहीं करना, हम बताए हुए हैं, सिर्फ उल्टा दीजिए, 1/2, 1/3, 1/4। लघुत्तम सवार तक 12 या 12 से गुना कर लेते हैं, 12 से गुना करते तो ये होगा रिजल्ट 6/4, यही आपका आंसर हो जाएगा 6/4। अगले सवाल की ओर आ रहा है, सवाल नंबर चार कहता है x/5 = y/6 = z/3। तो x अनुपात y अनुपात z चाहिए, बस नीचे जो लिखा है वही उत्तर होता है, 5/6। ये हम बता चुके हैं 5/6 आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल में आपका 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा और 6 का भी आंसर बताएंगे, क्योंकि इस तरह का हम बता चुके हैं, 6 का आंसर आप बताएंगे, 5 और 6 का। सवाल नंबर 7 पर आइएगा, 7 नंबर भी आपका बन जाना चाहिए, फिर भी हम लिख देते हैं एक बार, 5A = 10B = 7C। तो हमको चाहिए A/B/C, तो सिर्फ उल्टा दिए, 1/5, 1/10 और 1/7, बस नीचे वाला अलग लघुत्तम निकाल के गुणा कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल 8 कहता है दो व्यक्ति A और B 3:2 के अनुपात में इनकी आयु है, दो व्यक्ति A और B है, 3:2 के अनुपात में आयु है और इनका गुणनफल 216 है। तो गुणनफल वाला सवाल में होता है कि x मानना पड़ता है, मतलब 3x × 2x = 216, तो 6x² = 216, तो x² इसको काटिएगा 36 बार में, तो x हो गया कितना, 6x = 6 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है एक ही आयु क्या है, एक ही आयु 3x है, तो 6 × 3 = 18, बस ये आंसर हो 18 वर्ष। अगला सवाल आइएगा, सवाल में आगे आपका बन सकता है, एक सवाल और हम बना लेते हैं, सवाल नंबर 9। 9 पर आएंगे, 9 को हम समझाते हैं। सवाल 9 का था पिता का पुत्र की आयु का 5/3 है, मतलब पिता जो है पुत्र का 5/3 है, ये 5 होगा तो ये 3 होगा, इनकी आयु का गुणनफल 735 है। गुणनफल वाला सवाल में गुना कर लिए, 5x × 3x, 735 है, 735 कर लिए, इसको लिख सकते हैं 15x² = 735। इसको कटाएंगे तो x आपका हो जाएगा x² = 49 बार में ये कट जाएगा, तो 49 हो गया, तो x² कितना हो गया, 7। x = 7 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि यहाँ पिता की आयु क्या, पिता की आयु कितना, 5x, तो 5x² क्या लिखेंगे, ये 35 वर्ष हो गया, ये आंसर हो गया 35 वर्ष। अगला सवाल P और Q, P की आयु Q की आयु की दोगुनी है, आप बनाएंगे इसको, इसका थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, P की आयु Q की आयु की दोगुनी है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, कोई बात नहीं। अब गुणनफल 128 है, x मान सकते हैं, यानी 2x × x = 128, आगे आप हल करके बताएंगे आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है इसका बनाएंगे। सवाल नंबर 11 पर आइए, सवाल 11 को बनाते हैं।
सवाल में 11 कहता है आपका, 11 नंबर सवाल कहता है 3 पर पावर 57, 4 पर पावर 65 और 125 पर पावर 35, 89 पर पावर 13 इकाइयाँ। इकाई कहता है 3 का नियम होता है कि 4 से भाग देना, तो 4 से भाग देना जो शेष आ गया उसको हमको क्या करना है, 3 का पावर बनाना है। 4 से भाग दीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा शेषफल, तो 1 बचेगा। अब 4 का नियम कहता है कि सम होगा तो 6 लिखिए, विषम होगा तो 4 लिखिए, 4 हो जाएगा। 5 का नियम तो 5 होता है, और 9 का नियम सम होगा तो 1 होगा, विषम होगा तो 9 होगा। कर लिए, 3 पर पावर 1 का मतलब 3, 4 3 12, 12 मतलब 2 हो गया। अब 2 गुना 5 10 हो जाएगा, 10 मतलब 0, 0 गुना 9 0 आंसर हो गया, ये उत्तर 0 होगा। सवाल नंबर 12 पर आइए, 12 नंबर सवाल कहता है, 12 नंबर सवाल का आंसर आप देंगे, इकाई का हम पढ़ा चुके हैं, इकाई पढ़ लिए हैं तो आपका आंसर होना चाहिए। अगला 256, 13 पर आइए, 256 गुना 256 प्लस 144 गुना 144 गुना 144, उसका नीचे लिखा 256 गुना 256 माइनस 256 गुना 144 प्लस 144 गुना 144, कुछ नहीं करना इस तरह के सवाल में। ये क्यूब 3 बार है, ये भी 3 बार है, बस आपको प्लस है तो प्लस बस करना है, 256 प्लस 144 कर लेना, नीचे कट जाता है, क्यूब पर रहता है। एक क्यू प्लस वी क्यू का सूत्र लिखिएगा, वो पूरे पूरे कट जाएगा, बस इसको सिर्फ जोड़ना है। 6 4 10 के 0 बाकी है, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी है, 1 2 1 3 1 4 यानी 400, ये उत्तर हो गया 400, ये उत्तर हो जाएगा 400, सिर्फ जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना। अगला सवाल आइएगा, देखिए सिर्फ ध्यान रखना है कि क्यूब जहाँ पर रहे वहीं पर जोड़ना है, अगर नीचे क्यूब रहेगा तो नीचे जोड़िएगा, अगर ऊपर क्यूब है तो ऊपर जोड़िएगा, घटाव है तो घटाव करेंगे। देखिए 14 नंबर सवाल उसी प्रकार से कहता है, 735 है, घटाव है 105, बस इसको घटा के लिख दिया, आंसर हो गया और कुछ करना नहीं। 15 नंबर देखिए, क्यूब नीचे है, नीचे क्यूब है तो नीचे आ जाइए, तो नीचे 2 है और नीचे प्लस है, 3 डाल दिए और 3, यह हो जाएगा 1/5 आंसर हो, जहाँ पर लिखा रहे बस वहाँ पर लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 16 पर आइए, 16 को देखते हैं, सवाल नंबर 16 यहाँ पर कहता है, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व तो आपका इधर होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व दिशा की ओर चला और कहता है 10 मीटर गया, 10 मीटर डाल दिए, उसके बाद वहाँ से वह दाईं तरफ, दाईं मतलब जिधर हाथ घूमे तो दाईं तरफ मुड़ा और 5 मीटर गया, 5 मीटर डाल दिए, फिर वह दाईं तरफ मतलब हाथ जिधर घूमेगा उधर, तो 10 मीटर इधर चल दिए, 10 मीटर चलता हुआ फिर वह दक्षिण, तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, नीचे हम आ गए, तो नीचे की तरफ आने के बाद दक्षिण की ओर चला और 7 मीटर चला, वह कितनी दूरी पर है, कितना दूरी, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, तो 12 मीटर दक्षिण हो जाएगा, यह 12 मीटर दक्षिण आपका आंसर हो गया। यह 5 मीटर चला ना, हाँ 5 मीटर चला है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे कितना चला, 7 7 5 12 होगा, अगर 15 होगा तो फिर अलग कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 12 मीटर आपका आंसर होगा, इसको ठीक कर लेंगे, 12 मीटर आंसर होगा। 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, तो फिर 10 मीटर गया, तो फिर आपका 7 मीटर गया, तो आपका 12 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 17 पर आइए, 17 को देखिए, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, उत्तर आप चलते हैं 20 मीटर चलता है, यहाँ से उत्तर होता है ऊपर, 20 मीटर चला तो मान लिया जाए यहाँ आया, उसके बाद कहता 90 डिग्री के कोण पर वह दाईं तरफ मुड़ा, तो 90 डिग्री को छोड़ लीजिएगा, तो 20 मीटर ऊपर गया तो ऊपर डाल दिया, तो 90 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ा, तो इसको 4 लाइन खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बना लीजिए, 20 मीटर ऊपर गया और 90 डिग्री के कोण मतलब क्या, 90 डिग्री को छोड़ के सिर्फ दाहिना घुमा लेना, तो 90 डिग्री के कोण पर वो किधर मुड़ा है, दाईं तरफ मुड़ा और 40 मीटर गया, तो दाईं तरफ इधर होगा 40 होगा, उसका फिर 90 डिग्री के कोण पर मुड़कर दाईं तरफ मुड़कर 20 मीटर, तो 20 मीटर नीचे आ जाएगा, अंत में हुआ पश्चिम दिशा की ओर 30 मीटर, पश्चिम दिशा इधर होता है क्योंकि इधर चलते 30 मीटर, यहाँ से यहाँ 40 है टोटल, तो 30 मीटर यहीं पर कहीं हो जाएगा। अब कहता है कितनी दूर है, ये 30 है, यह 10 हो जाएगा, डॉटेड लाइन 10 हो जाएगा, तो कहता है 10 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर कहता है कि आगे पूछा जा रहा है, तो
तो वह मूल बिंदु पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी तथा किस दिशा में चलना पड़ेगा। मूल बिंदु पर पहुंचने के लिए 10 मीटर चलना पड़ेगा और इस तरफ चलना पड़ेगा, इस तरफ मतलब पश्चिम, 10 मीटर पश्चिम। आंसर होगा 10%, ये उत्तर हो जाएगा 10%। अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में ए दोनों छोर से 40 बार, दोनों छोर का सूत्र आपको पता है 40 × 2 − 1, दोनों छोर का 39 आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर 39 होगा। 19 नंबर सवाल है किसी बच्चों की कतार में ए और बी के बीच में 20 बच्चे हैं तो यह संख्या कुल बच्चों की संख्या का एक तिहाई। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सवाल कहता है सवाल 19 नंबर सवाल कहता है किसी ए और बी के बीच में 20 बच्चा है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इस दोनों के बीच में 20 बच्चा है, 20 बच्चा है। उसके बाद कहता है यदि यह संख्या कुल बच्चों का एक तिहाई, 20 बच्चा है कुल बच्चों का एक तिहाई, मतलब कुल बच्चा का एक तिहाई है ये 20, तो टोटल बच्चा निकालने के लिए 1% निकाल लीजिए, यह टोटल बच्चा की संख्या देता है, ये 60 हो गए। या ऐसे बना सकते कुल बच्चा एक्स वन कुल बच्चों का एक तिहाई है, 1/3 = 20, एक्स वाला 60 हो गया, जैसे बनाना बना लीजिए। उसी तरह आपका सवाल 20 नंबर है, 20 नंबर का आंसर बनाएंगे, आंसर बताएंगे कैसे क्या निकलता है। सवाल में 21 पर आई, यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये सवाल पूछता है। तो इसका सूत्र होता है 21 नंबर 60H − 11 m/2, ये सूत्र होता है। बस यहाँ डालिए 60, 2:02 डाल दिए, 2:40 तो m मतलब मिनट होता है, 40 डाल दिए, 2/2, बस इसी का सॉल्यूशन करना आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बताएंगे क्या होगा, इसी सूत्र पर 1:40 को पुट कर दिया आपका आंसर हो जाएगा, इसी सूत्र पर हल करेंगे आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आएंगे 23 पर आइएगा, 23 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 23 का था यह सीरीज है, यह 25 है, 36 है, 49 है, वाट है, 81 है, 100। देखिए 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होगा, बस आंसर होगा 64। 24 नंबर आइए, ओ आर ए एल, इसको लिखा गया 3196, क्या किया है, एल का नंबर 12 है, 15, 18, 9, 12, 12 को 2, 1, 3 को जोड़ दिया, यहाँ पर है 2, 1, 3 को जोड़ा है, उसके बाद 1 का 1 लिख दिया, 8, 1, 9, 9 को 9 लिख दिया, 5, 1, 6, यानी पीछे से नंबर जोड़ दिया है, तो आपको लिखना है WRITTEN, पीछे से जोड़िए। एन का नंबर 14 को 5 लिखेंगे, ई का नंबर 5 × 4 = 5 है, 20 होगा, 20 को जोड़ेंगे 2 और 0 तो 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यह 9 का 9 लिखा जाएगा, R18 8 1 9 हो जाएगा, 23 × 3 = 5 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 25 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 25 यहां पर कहता है RITWNYN, ये लिखा है तो हमको लिखना SITA, इसको लिखना है, कुछ नहीं करना, देखिए R का नंबर 18, I का नंबर 9, 20 और 1 और ये 23, 14, 25 और 14, 18 से ये 23 हुआ प्लस 5 जोटा, 9 से ये 14 हुआ प्लस 5, 20 से 25 प्लस 5, 1 से यहाँ पर 1 है क्या, यहाँ पर 1 से है तो 1 से यहाँ पर क्या लिखा गया, 1 से 14 लिखा गया है, 1 से 14 लिखा, ये गड़बड़ लिखा गया क्योंकि सब में 5 जोटा है, वहाँ पर F होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर आपका 18 है 5 जोटा, 9 है 5 जोटा, 20 है 5 जोटा, यहाँ पर F कर लीजिए, अब सब सब में 55 जोड़ लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। पुरुष जीवनी राष्ट्र इतिहास होगा, पुरुष से जीवनी होता है, राष्ट्र में इतिहास होता है। पक्षी विज्ञान, पक्षी पुरातत्व, पुरातत्व ये आपको बताइएगा, मानव कृत हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पैर जूता हाथ, हाथ दस्ताना हो जाएगा, पैर में जूता पहनता, हाथ में दस्ताना पहनता है। कुर्सी बैठने के लिए, पलंग सोने के लिए आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल नंबर 30 है, यहाँ पर 8, 5, 40, देखिए दोनों को गुणा कर लिया, 8, 5, 40 यहाँ लिख दिया, उसी तरह यहाँ पर 9 है, 5 है, 45, दोनों को गुणा कर लिया तो हमको 10 और 5 यहाँ तो 50 हो जाएगा, ये उत्तर हो 50। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक इलेक्ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और सारे स्टूडेंट जो टेस्ट वाला पेपर लेते हैं इसको बना के ज़रूर आएंगे, मेहनत करके आएंगे, क्योंकि मेहनत के आगे आपकी जीत है, मेहनत आप नहीं करेंगे तो फिर
मुश्किल पड़ जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक ले जाएंगे।